बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुकूमत के जिम्मेदारों से गुफ्तगु हुई और उन्होंने मजलिसों वगैरह में और घर के प्रोग्रामों में 50 लोगों के शिरकत की इजाजत दी है, लेकिन वो भी कोविड के कवानीन के तहत के मास्क भी पहने रहे, उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे, लेकिन जुलूस की अभी इजाजत हमें नहीं मिली है। जो मरकजी जुलूस हमारे निकलते हैं, बड़े जुलूस निकलते हैं, उनकी भी इजाजत अभी तक नहीं मिल सकी है। इसी तरह से घरों के अंदर ताजिए खाने सजाने की और ताजिए रखने की भी इजाजत है, और आशूर के दिन बहुत से लोग जो है अपने घरों की ताजिए उठाते हैं, उनको भी इंशाल्लाह इजाजत रहे कि वो अपने घरों की ताजिए उठाए, लेकिन इक्का दुक्का लोगों के साथ वो ताजिए उठाए जाएंगे और दफन किए जाएंगे। ये तमाम बातचीत हमारी हुई है और इसमें एहतियात मद्देनजर रखना चाहिए, और क्योंकि जाहिर है कि इसमें हमारा ही भला है और कोविड के कानून की पाबंदी में जो है वो हमारे लिए वाजिब लाजिम, क्योंकि हमारे और महाराज फतवे भी दे चुके हैं इससे एहतियात करना जो है वाजिब लाजिम। लिहाजा मजलिसों में कोई रुकावट नहीं है, मजलिसें इमामबाड़ों में होगी इंशाल्लाह, लेकिन सिर्फ 50 लोगों के साथ। इमामबाड़े सजे जाएंगे घरों के, तालम लगाए जाएंगे, ताजिए रखे जाएंगे, इसमें भी कोई रुकावट नहीं है, और आशूर के दिन इंशाल्लाह ताजिए भी दफन होंगे, लेकिन बस वही कि सिर्फ घर के इक्का दुक्का लोग उसमें शरीक होंगे जो लेके जाएंगे, उसको भी मजबे की इजाजत नहीं दी गई।